सीएम की बुधनी सीट पर मुकाबला नेता अभिनेता और संत में। आज ही नामांकन भरेंगे शिवराज और मिर्ची बाबा। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बुधनी विधानसभा सीट से अपना नामांकन फॉर्म जमा करने जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने गाँव जैत पहुंचे हैं, जहां वे कुलदेवी की पूजा अर्चना के बाद नर्मदा घाट पहुंचेंगे। यहां नर्मदा जी की पूजा के बाद सीएम रहटी स्थित सलकनपुर में विजयासन माता के दर्शन कर बुधनी के लिए रवाना होंगे। इसके बाद सीएम शिवराज बुधनी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर अपना नामांकन फॉर्म जमा करेंगे। बता दें कि आज यानी सोमवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। वहीं कांग्रेस ने बुधनी विधानसभा में सीएम शिवराज के सामने रामायण सीरियल में हनुमान जी का रोल निभाने वाले अभिनेता विक्रम मस्ताल को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी भी आवंटी घाट में मां नर्मदा की पूजा अर्चना करने के बाद अपना नामांकन जमा करेंगे। बताया जा रहा है कि विक्रम मस्ताल भैरुंडा में रैली के साथ नामांकन जमा करने पहुंचे। मिर्ची बाबा भी आज करेंगे नामांकन। बुधनी विधानसभा सीट पर इस बार नेता अभिनेता और संत की भिड़ंत होने जा रही है। बुधनी विधानसभा सीट से बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी के साथ ही समाजवादी पार्टी से मिर्ची बाबा भी अपना नामांकन फॉर्म जमा करने जा रहे हैं। सपा ने यहां से मिर्ची बाबा को अपना उम्मीदवार बना लिया है। कुल मिलाकर अब इस सीट पर नेता अभिनेता और संत की भिड़ंत होने जा रही है। 20 सालों से बीजेपी का गढ़ है बुधनी। बुधनी विधानसभा सीट पिछले 20 सालों से बीजेपी का गढ़ बनी है। बीते 4 बार से सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां से प्रत्याशी बनते आ रहे हैं और रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर रहे हैं। इस सीट को अपने कब्जे में लेने के लिए कांग्रेस भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी है। बता दें कि बीते चुनाव में तो कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव को मैदान में उतारा था। इसके बावजूद कांग्रेस कामयाब नहीं हो सकी। इस बार कांग्रेस ने सीएम शिवराज के सामने अभिनेता विक्रम मस्ताल को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहें द खबरदार न्यूज पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।